क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ बनाए 273 रन, भारत को दिया 274 रन का टारगेट। डेरिल मिचेल ने खेली शानदार शतक की पारी, बना 130 रन। शतक बनाने से चूके रविंद्र, खेली 75 रनों की पारी। मार्क चैपमैन 6 रन बनाकर लौटे। मोहम्मद शमी ने झटके 5 विकेट, कुलदीप के हाथ लगे 2 विकेट। मोहम्मद सिराज और बुमराह को एक एक विकेट, रविंद्र जडेजा को बिना विकेट करना पड़ा संतोष। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स कॉनवे यंग को शमी और सिराज ने किया चलता, कॉनवे के बल्ले से नहीं निकले रन, यंग ने खेली सिर्फ 17 रन की पारी। वर्धमान में सिक्किम के चारधाम की तरह बनाया गया पंडाल, बांस थर्मोकोल शंख से बनाया गया ये पंडाल। हमीरपुर के दुर्गा पंडाल में गरबा का आयोजन, महिलाओं ने जमकर किया गरबा। पटना में रावण दहन से पहले गांधी मैदान का डीएमएसपी ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा। कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे, विधि विधान से पूजन। कटरा में वैष्णो माता मंदिर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता का आशीर्वाद दिया, महाअष्टमी पर माता से दुआ की। कोलकाता में एक्टर प्रसन्नजीत ने दुर्गा पंडाल में दर्शन किए, देवी मां की आरती की। दिल्ली के समिति पार्क में भव्य दिखा सर्वजनीन दुर्गा पंडाल, नवरात्र के 8वें दिन माता का श्रृंगार किया। बागेश्वर के दुर्गा पूजा पंडाल में उमड़ा भक्तों का सैलाब, लोग माता के दर्शन करने के लिए आए। हुगली में शिशु कुमारी कन्या को देवी दुर्गा रूप में सजाकर की गई पूजा, देश विदेश से आए भक्त यहां पर। गाजीपुर में डीएमआरए का अखौरी ने कन्याओं के पैर धोकर किया अष्टमी पूजन, कन्याओं को पूजन के बाद स्कूल बैग और दक्षिणा दी। आज नवरात्र का 8वां दिन, भक्त कर रहे मां की महागौरी स्वरूप की पूजा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, शक्ति की आराधना। दिल्ली के कालका जी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्त कर रहे माता के दर्शन। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में की माता की आरती, वैदिक मंत्रों से गूंजा मंदिर। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में आस्था का सैलाब, भक्तों की मां की पूजा। दुर्गा अष्टमी को लेकर कटरा में गजब की रौनक, फूलों से सजा माता का दरबार। बड़ी संख्या में माता के दरबार में उमड़े भक्त, माता के दर्शन के लिए लंबी कतार। अयोध्या में भगवान राम की कुल देवी देवकाली मंदिर में पहुंचे सीएम योगी, दुर्गा अष्टमी पर किए दर्शन। पटना में माता रानी के दरबार में सीएम खुद पहुंचे हाजिरी लगाने, माता के दर्शन किए। दरभंगा में हुआ डांडिया नाइट का आयोजन, बिहार सरकार के 2 मंत्री और विधायक जमकर नाचे। सिलीगुड़ी का दुर्गा पूजा पंडाल भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना, चमचमाती रोशनी सजावट से पंडाल की खूबसूरती में 2 चाल लगे। सिलीगुड़ी के पंडाल में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, किए माता रानी के दर्शन। केरल के कोट्टायम में नवरात्रि का उत्साह, यहां पर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। ओडिशा के कटक में की गई मां दुर्गा की आरती, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। सूरत में गरबा नाइट का आयोजन किया गया, राधा कृष्ण के किरदार में महिलाएं खेल रही गरबा। सूरत में पारंपरिक परिधानों में गरबा खेल रहे लोग, नवरात्र उत्सव को लेकर जोश आए। राजकोट में उत्साह के साथ खेल रहे गरबा, मना रहे नवरात्र का उत्सव। इंदौर में बड़ी संख्या में जुटे लोग, हर्षोल्लास के साथ खेला गरबा। अहमदाबाद में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, दिव्यांगजनों ने खेला गरबा, 700 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। मुंबई में दुर्गा पूजा पंडाल पहुंची एक्टर सुष्मिता सेन, माता रानी का आशीर्वाद लिया।
ओडिशा के अंगुल पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दुर्गा पूजा पंडाल में की पूजा। साउथ त्रिपुरा में सजा भव्य पंडाल, जगमगा रही रोशनी से सराबोर शहर। साउथ त्रिपुरा के दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे सीएम माणिक साहा, माता रानी की आराधना की। ओडिशा के मयूरभंज में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर सजा दुर्गा पूजा पंडाल, भक्तों के आकर्षण का केंद्र। मयूरभंज के दुर्गा पूजा पंडाल में धार्मिक सौहार्द की झलक दिखी, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर मनाते हैं नवरात्र। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में की गई भव्य सजावट, भक्तों की लंबी कतार। बंगलुरु में दुर्गा पूजा पंडाल में भक्तों का जमावड़ा, माता रानी की आराधना की। प्रयागराज में हो रही शक्ति की महागौरी स्वरूप की आराधना, भक्तों ने की पूजा अर्चना। असम हेलाकांडी पहुंचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, दुर्गा पूजा पंडाल में की माता की अर्चना। दिल्ली के द्वारका पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रामलीला मंचन का आनंद लिया। मुंबई में नवरात्र उत्सव में शामिल हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, लोगों ने खेला गरबा। अमरावती के वीर प्रताप नव उर्गा उत्सव पंडाल में जुटी भक्तों की भीड़, हनुमान जी के बाल रूप को देखने के लिए लोग गदगद हुए। गोंडा में मां दुर्गा के पंडाल को दिया गया रूप, चंद्रयान 3 की थीम पर बना है ये वाला पंडाल। असम में भी चंद्रयान 3 की कामयाबी का दिखा असर, बोंगाई गांव जिले में मां दुर्गा के पंडाल को इसी थीम पर बनाया। आरजेडी मुखिया लालू यादव ने माता रानी से आशीर्वाद लिया, यहां पर माता के दरबार में पहुंचे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। बीजेपी ने जारी की तेलंगाना की पहली लिस्ट, करीम नगर से बंदी संजय कुमार को टिकट मिला है। 52 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 3 वर्तमान सांसदों को मैदान में उतारा, निलंबन हटते ही टी राजा सिंह को उतारा। भोपाल में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हम सिर्फ वादे नहीं कर रहे, काम भी कर रहे हैं। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर तंज, कहा मैं उनसे पूछता हूं, वो महा झूठ पत्र तो ले आए पर पहले वचन पत्र का क्या हुआ। गुना में सीएम शिवराज ने दिग्विजय सिंह पर ली चुटकी, कविता सुनाकर किया उन पर बखान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का पलटवार, कहा बेचारे सीएम शिवराज कहीं के नहीं रहे। सिवनी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने की जनसभा, कहा मैं आपका पड़ोसी हूं, आपने मेरा लाभ नहीं उठाया। कांग्रेस के बयान पर बरसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा जिन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया वो आज पिछड़े वर्गों की बात कर रहे हैं। कमलनाथ समेत कांग्रेस नेताओं के बयान पर बोले एसपी सांसद रामगोपाल यादव, कहा कमलनाथ मेरे दोस्त, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा। अयोध्या में सीएम योगी ने मिशन महिला सारथी किया लॉन्च, 51 BS6 बसों को दिखाई हरी झंडी। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया पौधारोपण, गृहमंत्री यहां पर पहुंचे। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अलग अलग जेल में किया शिफ्ट, हरदोई जिला जेल के लिए रवाना अब्दुल्ला आजम। आजम खान को सीतापुर जिला जेल में किया शिफ्ट, पत्नी तंजीन फातिमा को रामपुर जेल में रखा। महाराष्ट्र में बारामती के पास हादसे के चलते ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग, ट्रेनी पायलट और ट्रेनर सुरक्षित हैं दोनों। एमपी में बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी होने के बाद भारी बवाल, पार्टी दफ्तर में केंद्रीय मंत्री के साथ धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, लिखा कार्यकर्ताओं के प्रेम को देख भूपेंद्र यादव जी की आंखें भर आई। नीतीश का इशारों ही इशारों में सामने आया बड़ा बयान, तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखकर कहा ये बच्चा हमारा सब कुछ। नीतीश के इस बयान पर मंत्री अश्विनी चौबे ने पूछा सवाल, पूछा कब दे रहे हैं इस्तीफा। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे के साथ नहीं होगी वजूखाने की जांच, वाराणसी कोर्ट ने खारिज की याचिका। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 37th नेशनल गेम्स के खिलाड़ियों के साथ की मुलाकात, सभी का हौसला बढ़ाया। रांची एयरपोर्ट पर जापान की महिला हॉकी टीम का स्वागत किया गया, कलाकारों ने किया सांस्कृतिक नृत्य।
चुंगथांग में सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने तीस्ता स्टेज 3 डैम का निरीक्षण किया, सुरक्षा बलों से मुलाकात की। भारतीय सेना और बीआरओ की टीम ने 150 फीट लंबे फुटब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया, नॉर्थ सिक्किम को जोड़ता पुल। जमशेदपुर में मनाया गया आरएसएस का स्थापना दिवस, तकरीबन 900 वॉलंटियर्स ने कार्यक्रम में शिरकत की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेले में हिस्सा लिया, सीएम ने अभ्यर्थियों को सौंपा सर्टिफिकेट। तिरुपति में आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर ने भगवान बालाजी के दर्शन किए, विधि विधान से पूजन किया। इम्फाल में सीएम एन बीरेन सिंह ने 37th नेशनल गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की, सभी का मनोबल बढ़ाया। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन किया, लोगों को मिली जाम से राहत। मुंबई में क्राफ्ट्समैन प्रमोद कांबले ने बनाई सचिन तेंदुलकर की मूर्ति, स्टैचू में शॉट मारते दिखे सचिन तेंदुलकर। दिल्ली की लवकुश रामलीला का मंचन, देखने पहुंचे केंद्रीय मंत्री। तिरुपति पहुंचे भारतीय पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण, वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा। झारखंड के रांची में गोरखा बटालियन ने जवानों ने मनाई फूल पाती परंपरा, 9 पेड़ों से फूल लेकर निकाली जाती है यात्रा। फूल पाती परंपरा में महिलाएं बच्चे शामिल, जवानों में दिखा उत्साह। जम्मू में लोक उत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।